ब्रॉडगेज पटरियों के साथ चलकर आने वाले संदेशों में लोहे की गंध इस कदर हावी थी कि सिग्नल की बत्तियां हरा होने से मुकर गईं। सुबह ड्यूटी पर निकले लाइनमैन को संदेशों के कुछ टुकड़े छोटे पत्थरों कुछ पास की कीकरों पर अटके दिखे। उसके हथौड़े से शब्दों का कोई मेल नहीं था, इसलिए वह फिश प्लेटों को ठकठकाकर आगे बढ़ गया। बताते हैं कि दूसरों के सफर से उकताए स्टेशन एक दिन आंदोलन पर चले गए और ट्रेनों ने इस मांग के साथ हड़ताल कर दी कि उन्हें बदलाव के तौर पर कुछ दिन समंदर में चलाया जाए। उन्हीं दिनों पता नहीं कैसे पटरियों की सड़कों से दोस्ती हो गई। सड़कों ने उन्हें बताया कि बिना वजह कहां और कब कब टूट बिखर जाना है। तारों से उतरकर बिजली पटरियों में दौड़ने लगी और डिब्बे इंजन को लेकर भाग गए। टिकटें सिस्टम को बुक कर रही थी कि मौसमों का कोई पैसेंजर वेटिंग लिस्ट में न आए। खैर, बात आई गई होती अगर ड्राइवर शांत रहते। वक्त के ड्राइवरों की यूनियन ने सरकार के सामने मांग रखी कि वे ट्रेन चलाते चलाते थक गए हैं, इसलिए उन्हें कुछ दिन देश चलाने का मौका दिया जाए। उधर देश था कि वह अपने देश होने के गर्व में ही फूला जा रहा था और सरकार उसे चला चला कर कुप्पा हुई जा रही थी। तो जो पहिए थे वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि वे ट्रेन को ढो रहे हैं या कि ट्रेन उन्हें। पुलों का अलग मसला था। वे चाहते थे कि उनके नीचे बहने वाले नदी नालों को रोक दिया जाए और उन्हें बहने दिया जाए, यानी वे चलें नदियां रुकें। नदियों का जो पानी था उसने इतने साल पुलों के नीचे बहने का मुआवजा मांगा और कहा कि उसे डबल डेकर के फर्स्ट एसी में देशाटन कराया जाए। पानी की इस मांग पर पटरियों के आसपास के पेड़ इतने खुश हुए कि वे क्रांति क्रांति के नारे लगाते हुए ट्रेनों के साथ दौड़ने लगे। गोया व्यास भी दौड़ते हैं। किरदारों के इस अकबकाए व्यवहार से कहानी क्या मोड़ लेगी, यह सोचता हुआ मैं बालकनी में खड़ा हूँ। फागुन दहलीज पर है। थोड़ी देर पहले की बूंदाबांदी के बाद चितराए बादल वैसे ही चमक रहे हैं जैसे इन दिनों थार के धोरे चमकते हैं। चम 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 के चांदनी जू चांदी के खेत। आसमान का करिंदा थार की एक्सरे को चांदी में देख रहा है शायद। गेहूं की गमक से लहराते खेतों के दिन हैं। खेती बाड़ी के लिहाज से सबसे हसीन रातों की रुत जब उत्तर भारत का प्रमुख अनाज गेहूं जवान हो रहा है, पकने को आ रहा है। खैर, बात इतनी सी है कि उलट बांसियां हमेशा अपवाद रहती हैं, वे जीवन का नियम नहीं बन पाती हैं। अमृता ने कहीं लिखा था कि दुनिया की हर बगावत एक ताप की तरह चढ़ती है, ताप चढ़ते हैं और उतर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इससे हमें बड़ी मदद मिलेगी। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे।